हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हरविंदर सिंह, आर्टिस्ट फरीदाबाद से। आज मैं ये एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कुछ कमेंट्स मुझे आए थे YouTube पर कि भाई आप अपना कुछ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें आप अपने काम के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताएं। तो इसीलिए आज ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो हो सकता है आपको पसंद आएगा। हरविंदर जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपकी कला यात्रा कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? मेरी कला यात्रा की शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी। मेरे फादर एक आर्टिस्ट थे और घर में कला का ही माहौल था। हम लोग पांच भाई एक बहन हैं, तो घर में कला का माहौल होने की वजह से हर वक्त वो आर्ट की बुक्स रहती थी। फादर काम करते थे, हम उनको काम करते हुए देखते थे, तो अच्छा लगता था जब वो कोई पेंटिंग बनाते थे, जब पेंटिंग बन के सामने आती थी और हम देखते थे उसको, तो वो अच्छा लगता था। और कुछ समय बाद दिल्ली के अंदर एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगी रशियन आर्ट की, तो वो देखने का मौका मिला। अपने फादर के साथ गए देखने के लिए और वहाँ पर वो सारी पेंटिंग देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हम रियलिस्टिक आर्ट से। तो एक अंदर पूरा एक एंथ्यू था कि कुछ करें, हम भी बनाएं, पेंटिंग बनाएं। लेकिन उस वक्त हमारा जो पीरियड था वो एक स्ट्रगल पीरियड और एक लर्निंग का पीरियड था हमारा। हम उस वक्त लर्न कर रहे थे अपने फादर के अंदर में पेंटिंग। तो फिर उसके बाद में थोड़ा टाइम बाद बाहर से, लंदन से ग्रेट आर्टिस्ट की कुछ बुक्स पब्लिश की उन्होंने, वो मार्केट में आई, तो उसके अंदर जितने भी ग्रेट मास्टर्स थे उन लोगों के लाइफ के बारे में और उनके वर्क के बारे में था। तो वो कुछ हमने मार्केट से बाय की वो बुक्स और उन लोग उनकी स्टडी की, उनके काम को देखा, तो वो सारी चीजें थी कि बस वो दिल और दिमाग के ऊपर चढ़ गई, तो बहुत अच्छी लगी। तो इन सारी चीज़ों से बहुत इंस्पायर हुए। और सबसे बड़ा एक जो बेनिफिट था वो इस बात का था कि भाई घर के अंदर हमें एक माहौल था वो, और फादर का सपोर्ट था और गाइडेंस थी उनकी, तो ये सारी चीज़ें बड़ी हेल्पफुल रहीं। और बस इस तरह से धीरे धीरे एक शुरुआत हुई मेरी कला की। तो हरविंदर जी, क्या आपने कला को सीखने के लिए कोई कोर्स या एजुकेशन भी लिया है? हाँ, मैंने आगरा से BFA किया, और क्योंकि सारी एजुकेशन मेरी आगरा की थी, बर्थ भी मेरा आगरा का, तो वहाँ से आगरा कॉलेज से मैंने BFA किया। BFA करने के बाद में फिर फादर के अंडर में काम किया एक्चुअल, तो उनसे मुझे लाइफ में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो आप कॉलेज लाइफ में या सीखने को नहीं मिली थी मुझको, तो क्योंकि वही चीज़ एक होती है कि जैसे कि कॉलेज की एक चार दीवारी, लेकिन जब हम फील्ड में आते हैं तो फील्ड के अंदर बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं या बहुत अच्छा काम करने वाले जो लोग हैं, जब हम उनके काम को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो वो एक कंपटीशन भी होता है एक तरीके से, और एक स्ट्रगल का टाइम भी होता है कि आपको अपना एक मुकाम तैयार करना है, एक स्टेज पर पहुंचना है, तो वो चीज होती है। क्या आपकी कला आपकी आजीविका का भी साधन है या आप सिर्फ शौक के लिए पेंटिंग करते हैं? आजीविका का भी साधन है क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन बन गया, मेरा शौक मेरा प्रोफेशन बन गया, और यही मेरा ब्रेड एंड बटर है।
और अभी तक तो इसके सहारे ही है लाइफ जो चल रही है, इसके सहारे ही चल रही है। और इसके साथ साथ अर्निंग के लिए मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोला है क्रिएटिव माइंड्स के नाम से, जहाँ पर मैं कोचिंग देता हूँ बच्चों को, जिसमें ऑल एज ग्रुप के लिए है वो। उसमें मेल फीमेल सब हैं, वर्किंग है, हाउसवाइफ्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो हर तरह के स्टूडेंट आते हैं मेरे पास। और बहुत बच्चे अब तक आए, मैं 2004 से ये क्रिएटिव माइंड्स चला रहा हूँ और अब तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। और दूसरा, इसमें अब ये पेंटिंग जो कर रहा हूँ, तो पेंटिंग गैलरीज के लिए भी कर रहा हूँ, गैलरीज को पेंटिंग देता हूँ, वहाँ मेरी पेंटिंग सेल आउट होती है। और गैलरी को पेंटिंग देना, एग्जीबिशंस करना, पार्टिसिपेशन करना, अच्छी जो कोई अच्छे इवेंट्स आते हैं तो उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो आजीविका का इस तरह से रहता है। तो आपने अपनी पेंटिंग के लिए यही सब्जेक्ट चुना, इसका क्या कारण है? ये सब्जेक्ट चुनने का कारण क्योंकि मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, तो जहाँ हम रहते थे वहाँ का जो आसपास का माहौल था वो सारा विलेज थे वहाँ पर। तो विलेजर्स को देखना, विलेज की लाइफ को देखना, तो वो सारी बातें माइंड के अंदर थी मेरे। और जब मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया तो मेरे सामने यही चीज आई कि मैं किस सब्जेक्ट के ऊपर पेंटिंग करूं। तो फादर ने मुझे कहा कि भाई तुम लैंडस्केप स्टार्ट करो, लैंडस्केप बनाओ, क्योंकि फिगरेटिव पेंटिंग करने वाले आर्टिस्ट बहुत हैं, लैंडस्केप बहुत कम लोग करते हैं, तो तुम लैंडस्केप बनाओ। तो फिर मैंने लैंडस्केप बनाने के लिए सोचा कि भाई क्या उसमें रखा, मीडियम क्या रखा जाए या स्टाइल क्या रखा जाए। तो क्योंकि अब वो जो मैंने मास्टर्स के काम देखे थे, तो जिसके अंदर मुझे मोने का काम, जो इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट थे, उन लोगों का काम मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं डिटेल वर्क बहुत कर चुका था, तो इसलिए मैं उससे थोड़ा सा फेडअप भी था। और इसलिए चाहता था कि कुछ इस तरह का काम हो कि जो थोड़ा बहुत ज्यादा मेहनती भी ना हो और लेकिन अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव हो, इस तरह का कुछ मैं चाहता था करने। तो मुझे ये इम्प्रेशनिज्म अच्छा लगा, तो मैंने वो सब्जेक्ट चुन के अब फिर जो आगरा के विलेज वगैरह थे, वो सारी चीजें थी, मैंने सोचा चलो वहीं से ही शुरुआत करते हैं। तो मैंने विलेज के सीन और विलेज का कल्चर, वहाँ की लाइफस्टाइल और वहाँ की छोटी मार्केट और शॉप्स और ये सारी चीजें, मैंने अपना एक सब्जेक्ट इसको बनाया और उसके ऊपर पेंटिंग करना स्टार्ट किया। और उसके कुछ टाइम बाद एग्जीबिशंस वगैरह भी देखने के लिए जाते थे दिल्ली में, तो कुछ आर्टिस्टों का काम देखा जिसके अंदर आर्किटेक्चर का काम, बिल्डिंग्स का काम, तो वो चीज भी मैं उनसे भी इंस्पायर हुआ। और फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ मॉन्यूमेंट्स करते हैं, इंडियन कल्चर ही है ये भी सारा, इंडिया की हेरिटेज है, धरोहर है, तो इसको करते हैं। तो फिर मैंने मॉन्यूमेंट करना स्टार्ट किया, जिसमें मैंने ताजमहल भी बनाया, रेड फोर्ट बनाया, हुमायूं टॉम बनाया, लोधी गार्डन बनाया, इधर जयपुर के अंदर एक फोर्ट है उसमें उसका कुछ व्यू लेके वो किया। तो इस तरह से काफी मॉन्यूमेंट्स किए मैंने और वो लोगों को बहुत पसंद आए और अच्छे कलेक्शंस में भी गए मेरे मॉन्यूमेंट्स। तो क्या आपने कभी टीचिंग करने के बारे में नहीं सोचा? टीचिंग करने के बारे में मैंने नहीं सोचा एक्चुअली, क्योंकि टीचिंग के लिए एक मैं समझता हूँ कि एक फाउंडेशन है वहां पर, टाइम टू टाइम स्कूल में हाजिरी देना जाना। और आर्टिस्ट मैं समझता हूँ कि ये एक फ्री माइंड है और इनको फ्रीडम बहुत अच्छी है लगती है, और फ्रीडम के साथ ही काम करना, कोई बाउंडेशन नहीं है। और क्योंकि हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपने लिए जब काम करते हैं तो वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, हमारी सोच में कोई बाउंडेशन नहीं है, हमारे काम करने में कोई बाउंडेशन नहीं है। हम सुबह काम करें, शाम को काम करें, रात को काम करें,
बहुत आर्टिस्ट हैं सारा दिन कुछ नहीं करते लेकिन वो रात को काम करते हैं क्योंकि उनको वहां पर एक वो सुकून जो मिलता है नाइट में काम करने का, तो दिन के अंदर डिस्टर्बेंस रहती है, घर में काम कर रहे हैं, स्टूडियो में काम कर रहे हैं, कभी कोई आता है जाता है तो वो डिस्टर्बेंस भी रहता है उसके अंदर, तो ये एक बड़ी चीज है। क्योंकि और वैसे भी अगर आप ये देखें तो कला एक हम इसको एक साधना के रूप में देखते हैं, हम पेंटिंग कर रहे हैं अपने लिए पेंटिंग कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए पेंटिंग कर रहे हैं और इसमें कोई किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत एक फ्रीडम है। और ये एक चीज जो है वो मैं खोना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैंने कभी जॉब के लिए कभी कोशिश नहीं की और फ्रीलांस आर्टिस्ट रहा हूँ और काम किया है, अभी कर रहे हैं काम, आगे भी करेंगे काम। अरविंदर जी, आप आगे अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, भविष्य में और क्या करने की तमन्ना है? फ्यूचर में पेंटिंग करेंगे, ऑलमोस्ट करना तो पेंटिंग ही है, पेंटिंग करेंगे क्योंकि अब पेंटिंग एक शौक था फिर प्रोफेशन बना, आज उससे इश्क हो गया, तो पेंटिंग ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। और साथ साथ में कोई सीखने के इच्छुक लोग आते हैं, कोई जिज्ञासु स्टूडेंट्स आते हैं तो सिखाएंगे भी और पेंटिंग करेंगे, एग्जीबिशंस करेंगे, बस यही है। तो हरविंदर जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, भगवान आपको आपके काम में सफलता दे, धन्यवाद। थैंक यू।